बड़ा पाव तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन क्या उल्टा बड़ा पाव खाया है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और खाने में मज़ेदार। उल्टा बड़ा पाव नासिक का फेमस स्ट्रीट फूड है, जो कि बहुत ही टेस्टी चटपटा खाने में लगता है। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मनभावन रसोई में आप सभी का स्वागत है। उल्टा बड़ा पाव बनाने के लिए यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे और एक छोटा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप जो तेल खाते हो उसका भी यूज कर सकते हैं। तेल को बढ़िया से गर्म होने देंगे जब तक कि इसमें से धुआं न निकलने लगे। तो तेल बढ़िया से गर्म हो गया, इसमें से धुआं निकल रहा है, तो एक छोटा चम्मच राई डालेंगे और इसे चटकने देंगे। तो यहाँ पे राई चटक चुकी है, फ्लेम को हम लो कर दिए थे। अब इसमें हम 7 से 8 कटे हुए करी पत्ते डालेंगे। अगर इसका फ्लेवर न पसंद हो तो न डालें। 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे और 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार ज्यादा या कम डाल सकते हैं। सारी चीजों को थोड़ी देर हम चलाते हुए बढ़िया से भून लेंगे। अब यहाँ पे 3 उबले हुए आलू लिए हैं और इसे हाथों से इस तरह से हम तोड़ के डाल देंगे। तो सारी चीजें बढ़िया से भून चुकी हैं, तो आलू को भी इस तरह से हाथों से तोड़ के डाल देते हैं। सारे आलूओं को तोड़ के हम डाल दिए हैं। अब इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे, जिससे सारी चीजें आपस में बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो आलू को इस तरह से हम चम्मच से दबाते रहेंगे, जिससे ये अच्छी तरह से मैश हो जाए। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर का ज्यादा यूज नहीं करना है, 1/4 छोटा चम्मच हींग, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। इसी के साथ अब हम 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं और सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आलू को इस तरह से बीच बीच में हम चम्मच से दबाते रहेंगे। तो ये देखिए, दबा दबा के आलू को हमने बढ़िया से मैश कर लिया है। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे और स्टफिंग को चटपटा बनाने के लिए 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डाल रहे हैं हम। आप इसकी जगह अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाले का भी यूज कर सकते हैं। डाल के सारी चीजों को बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। तो यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट और भून लिए हैं स्टफिंग को। अब हम बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे और बढ़िया से मिक्स करेंगे, गैस को ऑफ करेंगे और ये हमारे उल्टा बड़ा पाव की बहुत ही टेस्टी चटपटी स्टफिंग बन के तैयार है। अब हम उल्टा बड़ा पाव के लिए बेसन का बेटर बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए 1 बड़ा बाउल हम बेसन लिए थे, उसे इस तरह से छन्नी से छान लिए हैं। तो अब इसमें हम 1 पिंच के लगभग हल्दी पाउडर डालेंगे, बहुत ही कम हल्दी का यूज करना है। 1 छोटा चम्मच क्रश किया हुआ हम सूखी लाल मिर्च डाल रहे हैं। आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हम अजवाइन लेंगे और हाथों पे इस तरह से क्रश करके डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। स्वादानुसार नमक डालेंगे और बढ़िया से ड्राई ही सारी चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक हम पहले गाढ़ा घोल बना के तैयार करेंगे। तो एक साथ पानी न डालें, नहीं तो लम्स बहुत ही जल्दी बेसन के अंदर बनता है, फिर लम्स को खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे एक गाढ़ा घोल बना के हम तैयार कर लिए है, लम्स पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसे थोड़ा सा पतला करेंगे। तो इसका घोल हमें पकौड़े के बेटर से थोड़ा सा पतला करना है, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना, बस थोड़ा सा पतला। तो यहाँ पे पानी डाल के और एक घोल बना के हम तैयार कर लिए हैं। कुछ इस तरह से घोल बना के हमें तैयार करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटर बन के पूरी तरह से तैयार है। उल्टा बड़ा पाव बनाने के लिए यहाँ पे हमने 6 पाव लिया है और इसे अलग कर लेंगे। उल्टा बड़ा पाव की स्टफिंग 3 तरह से की जाती है, जिसमें से पर्सनली मुझे एक तरीका बहुत पसंद आया, मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। तो तीनों तरीकों को मैं यहाँ पे बारी बारी से आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले मैं उस तरीके को बताती हूँ जो नासिक के स्ट्रीट फूड वाले हमेशा इसी तरीके से बनाते हैं। तो हम स्टफिंग को लेंगे और पाव के उल्टे तरफ से इस तरह से लगा लेंगे। तो थोड़ा हम ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ के बहुत ही कम लगाते हैं, क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं। तो ये पहली स्टफिंग हमारी हो गई। दूसरी स्टफिंग कुछ इस तरीके से करते हैं कि पहले पाव को बीच से काट लेते हैं, फिर हम दोनों तरफ लाल वाली चटनी लगाएंगे। तो ये वही सूखी लाल चटनी है जो पाव बड़ा में यूज की जाती है। दोनों तरफ ये सूखी लाल चटनी हम लगा लिए। अब एक तरफ हम ये स्टफिंग लगा देंगे आलू का, चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देते हैं। फिर दूसरी तरफ से उठा के इसे हम बढ़िया से कवर कर देंगे, हाथों से हल्का सा प्रेस कर देंगे और ये दूसरी स्टफिंग बन के हमारी तैयार है। अब तीसरी स्टफिंग जो मैं बताती हूँ, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, तो इस तरह से एक पाव लेंगे और चाकू की सहायता से इस तरह से काट के हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसमें स्पेस बनाएंगे चम्मच से फैला के, जिससे हम स्टफिंग को भर सके। तो यहाँ पे आलू के जो मसाले थे हमने अच्छी तरह से भर लिया चारों तरफ और ये तीसरी स्टफिंग बनके हमारी तैयार है। तो ये तरीका मुझे बहुत पसंद है। 3 तरीके से उल्टा पड़ा पाव की स्टफिंग करना हमने आपके साथ शेयर किया है। आपको जो तरीका पसंद आया हो उस तरीके से स्टफिंग कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस से हम बचे हुए उल्टा पाव की स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं भर के। तो यहाँ पे सारे उल्टा पाव को हमने भर के तैयार कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए तेल हमने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए।
अब जो हम घोल बना के रखे थे उसमें हम 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, जो कि सबके घर में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके घर में ये बेकिंग सोडा ना हो तो आप बेकिंग पाउडर का भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। डाल के बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया। अब 1 चम्मच हम गरम तेल डालेंगे। गरम तेल डालने से जो उल्टा पाव है बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ऊपर से और बहुत ही फ्लफी बनेंगे। तो यहाँ पे हम उल्टा बड़ा पाव जो बना के स्टफिंग करके रखे थे उसे अब हम घोल के अंदर इस तरह से डिप करेंगे, बढ़िया से कोट कर लेंगे चारों तरफ से। तो यहाँ पे हम बढ़िया से कोट कर लिए चारों तरफ से। अब इसे हम उठा के थोड़ी देर होल्ड करेंगे जिससे एक्स्ट्रा जो घोल है वो गिर जाए। अब हम इसे गर्मा गर्म तेल में इस तरह से डाल देंगे और थोड़ी देर इसे हम पकड़ के रखेंगे जिससे जो बेसन की लेयर है वो सेट हो जाए। तो थोड़ी देर इसे हम इस तरह से पकड़ के रखेंगे, फिर छोड़ देंगे और किनारे से गर्म गर्म तेल इसके ऊपर डालेंगे। ऊपर से गरम तेल डालने से ये ऊपर से भी सिकेंगे। तो इसे अब हम एक तरफ से बढ़िया से ब्राउन कलर आने देंगे। थोड़ी देर के बाद इसे पलट लेते हैं। वाव, ये देखिए कितना बढ़िया ब्राउन कलर आ गया है। तो दूसरी तरफ से भी इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि बढ़िया ब्राउन कलर ना आ जाए। तो ये बहुत ही कुरकुरे लगते हैं खाने में और टेस्टी लगते हैं। तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करें। तो दोनों तरफ से बढ़िया ब्राउन कलर आ गया है। तो अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इसकी परत बिल्कुल कुरकुरी हो गई है तो इसे ज़्यादा इसे अब हम फ्राई नहीं करेंगे। तो बाहर निकाल लेते हैं और बचे हुए उल्टा पाव को हम इसी तरह से फ्राई करके तैयार करेंगे। सारे उल्टा बड़ा पाव को फ्राई करके हमने तैयार कर लिया है। अब इसके साथ खाई जाने वाली मज़ेदार हरी मिर्च को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से चीरा लगाएंगे और मिर्ची को डाल के थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा, क्योंकि जब तक ये मिर्च न हो तब तक किसी भी पकौड़े का खाने का मज़ा ही नहीं। तो ये फ्राई हो गए, अब इन्हें बाहर निकालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे। तो ये हमारी पकौड़ों के साथ खाई जाने वाली हरी मिर्च बन के तैयार है। हम फटाफट उल्टा बड़ा पाव को सर्व कर लेते हैं। तो इसे हमने सर्व किया है हरी चटनी और लाल चटनी के साथ। जो मिर्ची फ्राई करके रखे थे उसे भी लगा देते हैं। और ये लीजिए, हमारा उल्टा बड़ा पाव टेस्टी चटपटा कुरकुरा बनके तैयार है। एक बार इसकी मैं आवाज़ सुनाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी ये उल्टा बड़ा पाव बने हैं। बहुत ही बाहर से क्रिस्पी ये लगते हैं खाने में। और जब भी आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, अगर इस आप उल्टा बड़ा पाव को बना देंगे तो हर कोई पूछेगा कि इसे कहाँ से मंगाया, बहुत ही टेस्टी बना है। ये उल्टा बड़ा पाव परिवार के सभी को बहुत पसंद आएंगे। अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।